सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोनॉलेज विद शिवम को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग Intex Aqua लाइंस 2 की। तो पूरी देखिए वीडियो और आपका स्वागत है मेरे नए चैनल में जिसका नाम है टेक्नोनॉलेज विद शिवम। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा Intex Aqua लाइंस 2। आप उसका बॉक्स बढ़िया से देख सकते हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं लिखा है। इसकी 5 इंच की डिस्प्ले है, 1 GB रैम है और 8 GB रोम है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको दोनों कैमरा 5 मेगापिक्सल के मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको मिलेगा एंड्रॉयड नोगट। तो वैसे ये 5000 की रेंज में बहुत बढ़िया फ़ोन है। तो आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले इस बॉक्स को हमें खोलना होगा, तो अभी मैं इसको खोलता हूँ। तो ये देखिए, मैंने बॉक्स को खोल दिया। वाव, ये पूरा वाइट कलर का है। तो रुकिए, मैं इसको अभी ब्लेड से यहाँ से नाखून से काटता हूँ। कट गया है, नाखून बहुत बड़े हैं इसीलिए। अब मैं इसको खोलता हूँ। वाव, आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले ही हमारा मोबाइल मिल गया है। इसकी 5 इंच की डिस्प्ले है, मैंने इसको गोल्डन कलर में ख़रीदा था, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसको अभी फ़िलहाल रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारे बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक बैक कवर, ये तो बहुत बढ़िया है। 5000 की रेंज में हमें एक बैक कवर भी इसके साथ मिल रहा है। और ये क्या है, अच्छा स्क्रैच गार्ड, बहुत बढ़िया है, इसको हम साइड में रखते हैं। और हमें मिल रहा है यहाँ पर 3.5 mm ऑडियो जैक, इसको भी हम रखते हैं साइड में। और ये है एक नॉर्मल सा USB केबल टू माइक्रो USB केबल। और ये इसका चार्जर अडेप्टर है जो कि लगभग 5 वाट का है, नॉर्मल चार्जर है, ठीक ही चार्ज करेगा। और आखिर में हमें मिलती है हमारी 2400mAh की बैटरी। इस प्राइस रेंज में ऐसी बैटरी मिलना बहुत मुश्किल है, हमें तो ये मिल गई। चलिए और देखते हैं। और ये आपको एक क्विक गाइड इसके अंदर भी मिलती है जो कि ठीक है। चलिए सबसे पहले तो वो सब छोड़िए और हम करते हैं अपने फ़ोन की बात। आप बढ़िया से देख लीजिए, ये है हमारा फ़ोन। और आप पीछे से इसको देख सकते हैं, यहाँ से कितना बढ़िया डिज़ाइन है। कैमरा इसका यहाँ का 5 मेगापिक्सल का है, एक LED फ्लैश के साथ है। और आगे भी इसके यहाँ पे है कैमरा जिसके साथ कोई LED फ्लैश नहीं है। यहाँ पे आपको अपने 3 नेविगेशन बटन बार मिल जाते हैं। नीचे एक माइक है, देख सकते हैं। और यहाँ पर है माइक्रो USB पोर्ट। ऊपर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाएगा। और राइट साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन्स मिल जाएंगे। राइट साइड में बिल्कुल खाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फ़ोन को, इसके अंदर बैटरी लगाते हैं। पीछे से आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ पे आपको SIM 1 स्लॉट मिलता है और यहाँ पे SIM 2 स्लॉट। और यहाँ पे आपको एक माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट भी मिलता है। इसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी है 64 GB जो कि बहुत बढ़िया है। तो
तो चलिए अब हम इसमें अपनी बैटरी लगा देते हैं। ये रही बैटरी, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मैंने इसको लगा दिया। अब फ्रेंड्स एक सेकेंड, मैं इसमें एक और चीज़ का टेस्ट कर लेता हूँ। इसमें लिखा है वो LTE सपोर्टेड, तो मैं इसमें एक सिम लगा के देख लेता हूँ कि क्या ये वोल्टी सपोर्टेड है या नहीं। तो ये मैंने लगाया रिलायंस जियो का सिम। तो फ्रेंड्स सिम तो लग गया है, ये अपनी वापस से अपनी बैटरी लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं बढ़िया से। बंद हो चुकी है, मैं आपको इसको चालू करके दिखलाता हूँ। हो सकता है ये बूट होने में टाइम लगे, तो मैं इसको आपको वीडियो को फॉरवर्ड करके दिखला, अभी मत करो। फ्रेंड्स यहाँ पर तो हो गया है हमारा फ़ोन बूट, तो इसमें आप देख सकते हैं आपको एंड्रॉयड, रुकिए मैं आपको इसकी चीज़ें चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम स्टोरेज की। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिखा है 4.22 GB अवेलेबल, बहुत बढ़िया बात है ये, लगभग आधी मेमोरी आपको मिल जा रही है। रैम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 200 रैम खाली मिल जाएगी, तो ये भी ठीक है। और देखते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको एंड्रॉयड नोगट मिल रहा है। इस प्राइस रेंज में अभी तक आपको कोई भी कंपनी एंड्रॉयड नोगट तक नहीं ले गई है, पर इंटेक्स ने ऐसा किया तो ये बहुत बढ़िया है। और फ्रेंड्स अभी तो इसकी बैटरी देख सकते हैं आप 87 चार्ज है, ये कितना चलती है ये हम आपको इसके फुल रिव्यू में ही बता सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं शिवम चौधरी फिर आऊँगा एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं जल्दी इसका एक फुल रिव्यू ज़रूर लाऊंगा। गुड बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।